कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्या जी का इलाज अच्छे अस्पताल में करावे, और अगर उनके पास अस्पताल ना हो तो हम लोगों के पास अच्छे अस्पताल हो। अब उनको नंगा होने का शौक है तो उसमें हमको क्या आपत्ति। सूबे के योगी आदित्यनाथ की सरकार के 6 साल बीतने पर जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर अपने विकास योजनाओं का पुलिंदा गढ़ रहे थे। इस बीच विकास योजनाओं की जहां बात हुई, वहीं उन्होंने विरोधियों पर भी तंज कसना छोड़ा नहीं। इस बीच जब स्वामी प्रसाद मौर्या के बाबत और राहुल गांधी के बाबत सवाल पूछे गए तो तीखे जवाब भी मिले। ऐसे बढ़ा है, देखिए मैं तो समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्या जी का इलाज अच्छे अस्पताल में करावे, और अगर उनके पास अस्पताल ना हो तो हम लोगों के पास अच्छे अस्पताल है। हमारे पास बनारस में भी है, आगरा में और ज्यादा अच्छा अस्पताल है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हम लोगों के पास है। करा सके तो करावे, नहीं तो हम लोगों को बताएं, हम लोग इलाज कराएंगे। कैसे नहीं, हम तो उनका फ्री में इलाज करने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो एक आध बार निकाल कर दिखावे जरा। अब उनको नंगा होने का शौक है तो उसमें हमको आपको क्या आपत्ति हो सकती है। तो कहीं वो निकाल कर किसी चौराहे पर गनवा में जरा हट। राहुल गांधी को देखिए कोई अधिकार नहीं किसे पिछड़े को अपमानित करने का। इतना घमंड, इतना गुरूर भी ठीक नहीं है कि अपने आप को आदमी देश से भी ऊपर समझने लगे, देश के संविधान से भी ऊपर समझने लगे और देश के न्यायपालिका से भी ऊपर समझने लगे। ये सत्ता जाने की जो छटपटाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इस तरह से कोई निकालेगा? और इसमें सरकार क्या क्या लेना देना है? माननीय न्यायालय का ये फैसला है, माननीय न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई और 2 साल की सजा पाए पता नहीं कितने माननीय सदस्य, माननीय विधायक गण, माननीय सदस्य गण जिनकी सदस्यता गई है। देश में कितनी बड़ी संख्या है इन लोगों की। तो मतलब ये क्या स्पेशल है राहुल गांधी जी, कि किसी कमजोर समाज से आने वाले आदमी का, किसी पिछड़े समाज से आने वाले आदमी को इस तरह से अपमानित करे? देश का अपमान करने का कोई अधिकार किसी को नहीं हो सकता। और हम लोग स्वागत करना चाहते हैं माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया, और इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये माननीय न्यायालय ने सजा सुनाया है और श्रद्धेय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है ये उनका विशेष अधिकार है। हम और जो माननीय सदस्य हैं जिनकी सदस्यता गई है उनके साथ कौन सा हम न्याय करेंगे? और किसी को अगर विशेष हम छूट देंगे तो फैसला स्वागत योग्य है। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।